गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। हमारी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर सेकंड विच इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टेबल, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में अब हम और चीज़ें जानने वाले हैं। सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। चलो अब हम उनके बारे में कुछ और करेंगे, इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनको प्रिपेयर कैसे करना, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सो फर्स्ट वन, दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली, एक सॉल्ट की भी एक फैमिली होती है, उसको हम समझना है। सो एक्टिविटी देखो, इसमें क्या करना है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। ये सॉल्ट के कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर, यू हैव टू राइट देयर फार्मूलाज। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। सो सॉल्ट के फार्मूला वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने पहले क्रिस क्रॉस मेथड से लिखे थे। ओके, सो सी, ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है, आप इसको देखें। सी, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। द फार्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। इसको उसी तरीके से करना है जैसे कि क्रिस क्रॉस मेथड से हम करते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के लिए हम लिखते हैं K+ एंड सल्फेट SO4 2-। ये देखो, इसके ऊपर प्लस वन है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसके नीचे टू है, टू धन क्रिस क्रॉस। इसके इस वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। के को दो बार लिखेंगे तो K2 एंड सल्फेट को एक बार लिखेंगे तो K2SO4। इस तरह से हम क्रिस क्रॉस मेथड से सभी का फार्मूले बना सकते हैं। सो हियर इज़ द फैमिली ऑफ सॉल्ट, फार्मूला पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज। ओके, ये सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फार्मूलाज एंड नेक्स्ट सेक्शन सी दिस, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी फॉर्म। ये जो सॉल्ट हमने देखे हैं, ये कौन से, हमको पता है कि एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड द सॉल्ट इज फॉर्म, सॉल्ट बनता है। तो ये जो सॉल्ट के नाम हमने देखे, ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स टेक दिस। सी, सपोज हियर इट इज अवर सॉल्ट K2SO4। अब ये कौन सा एसिड है, इसमें कौन सा, देखो K एन SO4, SO4 का मतलब है H2SO4, SO4 मीन्स एसिड, कौन सा होगा यहाँ पर H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड K मीन्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सी, Na2SO4 अगेन सल्फेट, सल्फेट मीन्स H2SO4, तो यहाँ पे एसिड कौन सा है, H2SO4 है इसके अंदर। एंड Na मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट अगेन सल्फेट, सल्फेट मीन्स H2SO4, देन बेसेस, बेस कौन सा है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर से यहाँ पे सल्फेट है तो सल्फेट मीन्स इसमें आएगा H2SO4। ओके, एंड देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी वैलेंसी के हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा, आप देख लेना इसको। कॉपर सल्फेट, सल्फेट H2SO4, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, सो NaCl, दिस इज़ अवर सॉल्ट, दिस इज़ अवर कॉमन सॉल्ट। देखो Cl है, Cl मीन्स HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन Na मीन्स NaOH। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट होता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं HNO3, कौन सा एसिड है इसके अंदर, HNO3। अगेन Na मीन्स NaOH, तो इसके अंदर क्या है, NaOH।
सोडियम कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट है सी ओ थ्री, इसको हम बोलते हैं सी ओ थ्री को कार्बोनेट बोलते हैं, तो एच टू सी ओ थ्री, एच टू सी ओ थ्री। अगेन सोडियम, सोडियम मीन्स एन ए ओ एच। अब ये एक बार है दो बार उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एन ए टू लिखा है इधर एन ए लिखा है, लेकिन सिंपली आपको एन ए ओ एच ही लिखना है। ओके अमोनियम क्लोराइड, देखो क्लोराइड आया है यहाँ पे सी एल आया, सी एल मीन्स एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन अमोनियम, दिस इज अमोनियम आयन, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच एसिड्स एंड विच बेसिस। देन सी अगेन, वंस अगेन सी, अब हमको पता करना है इनकी फैमिली कौन सी है। द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो एक ही फैमिली के हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, अब इनकी फैमिली आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो सॉल्ट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो सी, सपोज फर्स्ट वन आई टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम, इसके अंदर सोडियम के ऊपर एन ए प्लस होता है और सी एल के ऊपर माइनस होता है, तो हम इसको बोलते हैं ये दिस इज पॉजिटिव रेडिकल, और ये माइनस वाला इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेडिकल। तो पॉजिटिव वाले को भी कॉल इट इज नेगेटिव पॉजिटिव रेडिकल, एंड नेगेटिव वाले को नेगेटिव रेडिकल। तो देखो इसके अंदर सोडियम प्लस है और सी एल माइनस है, इसी तरीके से एन ए सोडियम प्लस है और सल्फेट के ऊपर तो टू माइनस का चार्ज होता है। तो आप देखो इस एन ए सी एल में और इस एन ए टू एस ओ फोर में क्या कॉमन है, इसमें एन ए कॉमन है और इधर भी एन ए कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, एन ए प्लस कॉमन है। ठीक है, मतलब इसमें कॉमन क्या है, कुल मिला के सोडियम कॉमन है। तो ये कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, इट इज़ द सॉल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल कॉमन होता है वो उसकी फैमिली कहलाती है। सेकंड एग्जांपल आप देखो NaCl, अब देखो इसमें NaCl पॉजिटिव रेडिकल Na और Cl माइनस, इसी तरीके से KCl K प्लस और Cl माइनस, उसी तरह अमोनियम एक सॉल्ट है NaCl, दूसरा है KCl एंड थर्ड वन इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम प्लस और Cl माइनस। तो देखो इनमें कॉमन क्या है, क्लोराइड आयन इसमें कॉमन है, क्लोराइड आयन इधर भी है, क्लोराइड आयन ये तीनों में कॉमन है, तो कॉमन चीज़ क्या है इसमें, क्लोराइड आयन। तो कौन सी फैमिली है, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट का। ओके नेक्स्ट आप देखो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। आप देखो के मतलब के प्लस, सल्फेट मतलब एस ओ फोर टू माइनस, सोडियम सल्फेट इसमें एन ए प्लस कॉमन है, सॉरी एन ए प्लस और सल्फेट मीन्स एस ओ फोर टू माइनस। ओके उसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट तो के टू प्लस सी ए टू प्लस एंड सल्फेट एस ओ फोर टू माइनस। उसी तरीके से मैग्नीशियम Mg2+ एंड देन सल्फेट 2-। ओके कॉपर, कॉपर के ऊपर होगा प्लस का 2 एंड SO4 2-। तो देखो इसमें सब में कॉमन क्या है, SO4 2- इसमें भी है, सल्फेट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी सल्फेट कॉमन है, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सब में सल्फेट कॉमन है। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, SO4 2-। तो इसकी फैमिली कौन सी होगी, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, दिस इज द फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। ओके पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है इसमें देखो के प्लस नाइट्रेट NO3-, सोडियम नाइट्रेट तो Na प्लस और NO3-, लिथियम प्लस और NO3-, मैग्नीशियम 2+ और NO3-। इसमें कॉमन क्या है, देखो NO3 नाइट्रेट इसमें भी कॉमन है, नाइट्रेट इधर भी है, नाइट्रेट इधर भी है, नाइट्रेट इधर भी है, तो ये सब चीज़ें इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें, NO3-। तो फैमिली ऑफ कौन सी है, ये फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट की फैमिली है। ओके सो दिस इज द फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट। ओके नेक्स्ट अगली एक्टिविटी देखो pH ऑफ सॉल्ट। हमने देखा था कि एसिड और बेस का एक pH होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से सॉल्ट का भी pH होता है। तो देखो ये कॉमन सॉल्ट है, इनका pH कितना है। ओके इनके बारे में देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये वाटर में सोल्यूबल है या नहीं, ये पानी में घुलते हैं या नहीं, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH। हम इनका pH पेपर पता करेंगे लिटमस पेपर से,
इसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन। ये टेबल दे रखी है, ये वाली टेबल हमको ड्रॉ करनी है, टेबल 2.4। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, भी सॉल्ट, इनका पीएच, एसिड, एसिड कौन सा यूज़ करा और बेस कौन सा यूज़ करा। ओके, सो हियर ये टेबल मैंने यहाँ बनाई है आपके लिए, आप इसको कॉपी में बना लेना। तो देखो पीएच ऑफ सॉल्ट, दिस इज सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें एसिड कौन सा है HCl, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल मतलब उसका पीएच जो होता है इज इक्वल टू 7 होता है, मतलब अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है और उसका पीएच जो होता है 7। तो NaCl कैसा सॉल्ट है, एक ये न्यूट्रल सॉल्ट है। उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट, देखो पोटेशियम नाइट्रेट में एसिड कौन सा है, HNO3, HNO3 इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सोडियम, इसमें बेस कौन सा है, KOH, K है ना यहाँ पे, तो KOH इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्ट है ये भी। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, देखो क्लोराइड है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl होगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेस कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच कितना होगा, लेस देन 7, मतलब ये सॉल्ट कैसा है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका पीएच भी वैसा होगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इट इज़ एसिडिक सॉल्ट, तो पीएच इज़ लेस देन 7। नेक्स्ट देखो जिंक सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट है तो एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ H2SO4। जिंक के यहाँ पर तो जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, ये की वीक बेस है, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब पीएच इज लेस देन 7, और ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी वैसा होगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा, पीएच इज लेस देन 7। नेक्स्ट देखो कॉपर सल्फेट, सल्फेट मतलब H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, यहाँ पर अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट होगा एंड पीएच इज लेस देन 7। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, देखो CH3COOH, ये CH3COOH एक वीक एसिड होता है और सोडियम है यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट वैसा होगा, इट इज़ बेसिक सॉल्ट, पीएच इज़ ग्रेटर देन 7। सोडियम कार्बोनेट, ओके सोडियम कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट है तो H2CO3, ये एक वीक एसिड है, अगेन सोडियम, सोडियम एक सॉल्ट, सोडियम से कौन सा बेस बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगेन बेसिक सॉल्ट, पीएच इज ग्रेटर देन 7, बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगेन कार्बोनेट तो H2CO3, ये एक वीक एसिड होता है, फिर सोडियम तो NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ये बेसिक सॉल्ट होगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7 होगा इसका। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड मतलब HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक बेस, तो ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, तो पीएच इज लेस देन 7। ओके सो इस टेबल में आप और भी ऐड कर सकते हैं, 10 अप्रोक्सीमेटली 9 मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिए हैं, आप और सॉल्ट की लिस्ट बढ़ाएं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, सो प्लीज़ इसको नोट डाउन करें, मोर अबाउट सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो रिलेटेड ऑफ दिस टॉपिक क्वेश्चन विल बी कम योर एग्जाम। ये टेबल थी, मैंने पूरी ड्रॉ करके आपको बताई। सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो न्यूट्रल होता है, पी एच वैल्यू 7। ऑन द अदर एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पी एच वैल्यू लेस देन 7, एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पी एच वैल्यू मोर देन 7। ये थ्योरी आप याद कर लेना, उसमें मैंने समझा ही दिया आपको। ओके सो जो भी आज हमने पढ़ा, वॉट एवर वी लर्न टूडे, प्लीज़ नोट डाउन इट इन योर कॉपी एंड प्रैक्टिस इट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मेंशन मी और कमेंट्स मी, आप मुझे बताएं, आप प्रॉपरली वीडियो देखें पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, स्टेप बाय स्टेप। ओके अगर इसके अलावा आपकी कोई समस्या है तो मुझे बताएं और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, बुक रीडिंग चालू करें, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करें। ओके सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, एंड सो बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच।